भी आवाजें आती हैं वैसे? आवाज वगैरह आती है। कितने बजे के बाद? चिल्लाने के बाद। भांगड़ फोर्ट इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से वन ऑफ द हॉन्टेड फोर्ट। सच बताऊं तो सुपर नेचुरल पावर्स के साथ यहाँ पे आवाज़ें सुनाई देती हैं। चलो चल के देखते हैं कैसी आवाज़ें सुनाई देती हैं। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस साइड साक्षी तंजल और मैं हूँ आज रमन के साथ। रमन भी एक ब्लॉगर ही है। रमन से आप पहले भी मिल चुके हो मेरे ब्लॉग्स पे, बट थोड़ा थोड़ा। सो आई विल इंट्रोड्यूस रमन वेरी लाइक क्लियर वे में, लाइक ही इज अ फ्रेंड सिंस आई बिकेम अ ब्लॉगर। बट यू नो, बाकी रमन को कुछ याद है? हाँ, वी मेट इन अ कैफे, तब ये अराउंड तब दोस्त मतलब नए ब्लॉगर थे तब। ठीक है, मतलब मैं नई ब्लॉगर थी, ये बहुत नई ब्लॉगर थी और मैं भी उस टाइम पे ज्यादा नहीं था, बट ठीक है, काफी एक्सपीरियंस था उस टाइम पे भी। तो ये उस टाइम पे रील्स बना रही थी, शी अप्रोच मी कि भाई मेरी एक रील बना दो। तो मैंने कहा हां, आई एक्चुअली अप्रोच कि मेरी एक रील बना दे, बिकॉज़ ही वाज हैविंग दिस कैमरा, ही क्लिक ब्यूटीफुल पिक्चर्स। उस टाइम पे तो मेरा कैमरा, तुमने बहुत प्यारे पिक्चर्स खींचे, तुम पता है वो आज भी पोस्टेड है। सो यू नो, उसके बाद एक्चुअली मैं बताती हूं क्या होता है शॉर्टकट में। फिर हम अभी मिले मेरे बर्थडे के टाइम पे एंड ही वाज लाइक मुझे ट्रैवल ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है, व्हाई नॉट। सो दैट एक्चुअली द स्टोरी व्हिच एक्चुअली हैपेंड। हम जा रहे हैं अभी, कहां जा रहे हैं हम, चलो तुम्हें बताते हो। मैं कुछ तो बोलूं, राजस्थान भांगड़ फोर्ट। अभी तो इतने स्ट्रेट में बोलता है। सो हम जा रहे हैं राजस्थान भांगड़ फोर्ट, विच इज एक्चुअली मेरे घर से, तो मतलब मैं ट्रॉनिका सिटी रहती हूँ, आपको अगर दिल्ली से आना तो 6-6.5 घंटे का रास्ता है। मैं जा रही हूँ ईस्टर्न वेस्टर्न पैराफिरल से, और ईस्टर्न से मैं वेस्टर्न में शिफ्ट हो जाऊंगी। वेस्टर्न से स्ट्रेट रास्ता राजस्थान के लिए कटता है, पहले तो निमराना आएगा, निमराना के बाद आपका भांगड़ आएगा। हम भांगड़ जा रहे हैं। भांगड़ अगर रास्ते में देखा जाए तो इतनी औसम बारिश हो रही है, कौन कह रहा है, पता नहीं राजस्थान में गर्मी है कि नहीं, या नहीं पता, वहीं पहुँच के चलेगा। अगर बारिश हो रही है तो इतनी तो ह्यूमिड नहीं होगा, इतनी मतलब गर्मी नहीं होगी। और मेरे लेफ्ट साइड का व्यू देखो गाइस, चेक करो, मतलब यहाँ बहुत गर्मी है, बट द व्यू इज एक्चुअली। सो अगर रोड की बात करी जाए ना, तो रोड प्रॉपरली मेंटेन है राजस्थान की। फाइनली पहुंचते हैं भांगड़ फोर्ट, और अभी बज रहे हैं अराउंड 5:30-4:30। कैसा रहा तुम्हारा सफर? मजा आया, काफी अच्छी ड्राइवर हो आप। सॉरी, मैंने पेट्रोल के ऐसे से मार दिया, थैंक यू सो मच। चल अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या है यहाँ पे, मतलब क्या कहानी है इस, क्या राज है इस जगह के पीछे। आप यहीं से हो, यहीं पे रहते हो? अच्छा, एक चीज़ बताओ, नहीं शर्म आती है? इस लड़के को शर्म आती है कैमरे यहाँ से एंट्री स्टार्ट होती है गाइस इस जगह की। एक जने की 25 रुपये की टिकट की एंट्री है, हमने जुगाड़ करा क्योंकि हमारे पास कैश नहीं था। जनरली मैं कैश लेके चलती हूँ, बट इस बार रह गया था मेरा। सो इस घर के बारे में गाइस ये इन्फॉर्मेशन है, 16 शताब्दी में बना था ये। सो गाइस कुछ इस तरह की टिकट आपको मिलेगी और यहाँ से एंट्री आपकी स्टार्ट होती है इस अबेंडन प्लेस की और इस अबेंडन पोर्ट की। काम कर रहे हो दीदी? कितने समय से काम कर रहे हो आप यहाँ पे? यहाँ पे अच्छा, कभी आवाज़ें आती हैं वैसे? कितने बजे के बाद? चिल्लाने के बाद, दिन में भी लॉकडाउन लगा था ना। अच्छा, तब दिन में भी आई थी। अच्छा, ये काम करती थी ना। अच्छा जी, तो मैं तो रोज आती थी, तो आपको डर नहीं लगता? तो दीदी चिल्लाने की आवाज़ तो इधर आती है। अच्छा, अंदर में रहती थी, अंदर तो आपको डर नहीं लगता था? दीदी डर लगे मतलब उसे। तो दीदी का कहना ये था कि उनको आवाजें आती है, बट अब उनको आदत हो चुकी है उन आवाजों की यहाँ से। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कभी एक विलेज हुआ करता था जो कि अब अबेंडन हो चुका है, 16th century का। मैं राजा का नाम आपको जरूर बताती, मगर अगर आपने वीडियो स्टार्टिंग से देखी हो तो कमेंट करके बताओ। स्टार्टिंग में मैंने एक जानकारी शेयर कर रही थी, सो वहाँ पे राजा का नाम था उस जानकारी में, एक पत्थर पर लिखी हुई। सो लोग बाहर आ रहे हैं और हम लोग अंदर जा रहे हैं, दैट्स सो स्ट्रेंज। गाइस चेक करो, मतलब कैसा ऐसा लग रहा है, हम कितनी सुनसान हवेली एंटर करने जा रहे हैं। ऑब्वियसली एक सुनसान हवेली है ये, बट जटाएं देखो इन पेड़ों की, कितनी 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 गहरी सी है। आप दोनों ही बहुत प्यारे लग रहे हो, यहीं पे रहते हो? अच्छा, आपको भी आवाज़ें आती हैं कभी कभी? नहीं आती? नहीं, मेरे को आवाज़ नहीं है। बल्कि दीदी कह रही है हमें तो आवाज़ें आती हैं। जब आप एंटर कर रहे हो ना, तो आपके राइट साइड पर मंदिर है,
ये ऐसी कुछ एंट्रेंस है, आपको बंदर दिखेंगे बहुत सारे मस्ती मारते हुए। ये उन्हीं का टाइम है, हम उनके घर आ चुके हैं। ऐसा वैसे हम एंटर करते हुए फोर्ट के। अमेजिंग, मार्वेलस है ना, स्पेक्टेकुलर, वर्ड से बाहर हो जाता है, लड़का कम बोलता है। तो गाइस हम ऊपर चढ़ के आ चुके हैं, कुछ वहाँ से कुछ नीचे से। हम अंदर चलते हैं। जब यहाँ पे राजा महाराजा रहते होंगे तब क्या ही व्यू होगा, आप चेक करो गाइस, कितना सही व्यू है, मतलब पहाड़, जानवर, पक्षी एंड गर्मी ऑल्सो। तो गाइस मैं बोल चुकी हूँ बिल्कुल टॉप पे और पूरा खंडर हो चुकी है ये जगह। 16 सेंचुरी से आज तक कुछ यहाँ पे रिपेयर नहीं हुआ। आई एम प्रीटी श्योर ये मार्वल्स जो होंगे उस टाइम के, क्योंकि वाइट ब्रिक दिख रही है और ये रेड वाला मार्बल दिख रहा है, ये शायद उस टाइम से इतने टाइम तक अभी तक चल गए पत्थर। सोचो कि उस टाइम पे हाथी पत्थर उठा के लाते थे इतनी ऊपर, और ऑब्वियसली वो तीन ग्रेड की प्रथा यहाँ पर भी फॉलो करी गई है। अगर आपको पता हो तीन ग्रेड की प्रथा, मद भ्रमा, विष्णु महेश, वाइल्ड एंट्रेंस, मतलब पर्टिकुलरली इतनी सुंदर जगह का खंडर होना ना कभी कभी समझ नहीं आता। बट वो ये गवर्नमेंट ने टिकट्स भी लगा दी यहाँ पहुँचने के, पर नज़ारा देखो कितना ही मतलब अट्रैक्टिव। सो गाइस पता है पुराने ज़माने में ना हमेशा वो पूल पॉइंट्स वगैरह आपको घरों पे दिखेंगे, तो आई डोंट नो लड़कियों के लिए थे या क्या था, बट वहाँ पे पॉइंट्स हैं और यहाँ मंदिर है, उधर मंदिर है, ऊपर आई गेस सेनापति दूर से देखता होगा कि कौन कौन अंदर प्रवेश कर रहा है। वहाँ पे एक छोटा सा वो बना हुआ है जगह ऑल्सो, बट वहाँ कोई जाता नहीं है रहने की। सो गाइस इट्स टाइम टू से गुड बाय टू दिस फोर्ट। ओ माय गॉड दिस मैन, गॉड ब्लेस हिम। सो इट इज़ टाइम टू से गुड बाय टू दिस फोर्ट एंड it was literally very 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 much amazing. अच्छा लगा यार, मुझे ऐसे सो किसी की आवाज़ आई नहीं, मैं ऊपर तक भी वो आई बिल्कुल टॉप तक, बट अंदर उसके दरवाजे सारे बंद हैं। अगर आप गए हो यहाँ पे तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताओ। बाय बाय टू दिस प्लेस नाउ, इट्स टाइम टू गो समवेयर एल्स। एंड हाउ वाज द प्लेस बाय द वे? यार मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, यहाँ के एस्थेटिक, यहाँ के कॉर्नर्स जलने की, जैसे नई नई मतलब वो आ रही थी, अभी यहाँ कुछ जलाओ, जस्ट अभी जैसे हमने एंटर करा फोर्ट में और वो पूरी छत पे आ रही थी, वो कहीं और नहीं आ रही, बस वही आ रही है। सो इट डिडंट, और सीढ़ियां पार करने के बाद बिल्कुल नहीं आ रही, और सीढ़ियां पार करने के बाद छत पे थोड़ी थोड़ी थी, बहुत कम थी एटलीस्ट, मतलब क्योंकि हमें ना उसमें रहने की मतलब हमारी इंसानों की वो होती है, हमें एक मिनट बाद ना थोड़ी सी चीज़ों की आदत पड़ने लग जाती है। दिस इज़ वाइल एंट्रिंग इन द जयपुर, और इन्होंने प्रॉपर मतलब अपने मेट्रो स्टेशन मतलब सॉरी मेट्रो की जो लाइन्स होती हैं उसमें ये तीन झंडे के कलर्स दिख रहे थे, कितना सही लग रहा है ना। सो गाइस वी जस्ट चेक इट विद द पाम स्टे एंड दिस इज़ द रूम, दिस इज़ वन रूम। यहाँ पे आई गेस टॉयलेट वॉशरूम है जहाँ जिसकी लाइट अभी बंद है, और ये है सेकंड रूम इसी के साथ अटैच। सही है यार। सो वी वेंट टैटू कैफे फॉर डिनर फॉर दिस व्यू। अगर आपने ये व्यू देखना है आप टैटू कैफे से देख सकते हो, हवा महल का, ये 10:30 बजे तक लाइट्स ऑन होती है। Well, thank you so much for watching and see you next time with next story.